एकदम परफेक्ट। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अभी भी काना। एंड सबसे पहले तो स्नेहा को छोड़ना है उसके घर पे, उसकी कोई छोटी सी गेट टुगेदर है अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड स्नेहा और लाडो जाएगी आज दिन के लिए अपने घर पे, और हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। नाश्ता हमने अभी तक किया नहीं है, नाश्ता इसलिए नहीं किया है क्योंकि नाश्ता बाहर करने का प्लान है। आपको लग रहा होगा कि अब ये ऐसे कैमरा लगा कर कर क्या रहा है, तो बात ये है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो गियर वाला जो लीवर है ना, ये मेरे इसमें सिंगल ही है। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी मैं इस पर गियर लगाता हूँ तो लगाते समय नीचे डाउन करो और उठाते समय ऊपर इसको जूते सेट करो। अब मैं टेप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी जूते हैं वो सब इसी वजह से, चाहे चमड़े के हों चाहे मेरे स्पोर्ट्स वाले हों, इसी वजह से सारे गंदे हो रहे हैं। तो अब मैं इसमें लगाऊँ टेप। जूता आगे से जूते की नोक होती है ना, वो एकदम गंदी हो जाती है इसके कारण से, एकदम काली काली। तो इस पर टेप लगाने से शायद कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये स्नेहा और लाडो गई अपने ननियाल। प्रणाम मम्मी जी, ये हमारे माता राम। फोन आ रहा है, चलो ठीक है भाई। तो मैं आ गया हूँ शहर में और अब वेट कर रहा हूँ मैं राहुल का। राहुल एक बार आ जाए उसके बाद मैं उसकी बाइक लगवाएंगे एक जगह पर, और फिर एक ही बाइक पर निकल जाएंगे। दो बाइक पर निकलने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि अब वो बाइक चला लेगा और मैं पीछे में कैमरा पकड़ लूँगा, तो ये बेनिफिट भी मिलेगा मेरे को। आपको ये मेरा दिखेगा हर समय, क्योंकि ये क्या है कि मतलब मास्क और वो पूरा फेस कवर कर लेता है, तो ये आपको गले में दिखता रहेगा मेरे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ इसी वक्त कोट कर देता हूँ मैं, ऑल दो मैं बाद में करना चाह रहा था। ये मैं बताना चाह रहा था कि आपको मेरे चैनल को सिर्फ एक बार ही सब्सक्राइब करने हैं। कुछ मेरे भोले प्राणी हैं जो कि उसको मैं वो बोलते हैं कि तू हर वीडियो में बोलता है कि लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, तो वो हर बार के उसको सब्सक्राइब करते हैं। अब हर बार सब्सक्राइब तो होगा नहीं, वो एक बार होगा फिर अनसब्सक्राइब होगा फिर सब्सक्राइब होगा। तो आपको हर बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही आपको सब्सक्राइब करना है। आ गए हमारे राहुल भाई। राहुल भाई कितना घूमते घूमते हैं आप? अरे बीकानेर की सड़कें बहुत मस्त हैं। बहुत मस्त है ना, छोटी छोटी सड़कें हैं और उन्हीं में पूरा बीकानेर बसा हुआ है। तो चलो आपकी गाड़ी खड़ी करवाते हैं फिर निकलते हैं अपने। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं, काम पे चलना है। तो ये राहुल भाई की गाड़ी खड़ी कर दी हमने, अब अपनी गाड़ी पे निकलेंगे और सबसे पहले करेंगे नाश्ता क्योंकि लगी है भूख जोरों की। अब देखिए, और ये जो रोड देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं दाऊजी रोड, सौर की रिक्वेस्ट है दाऊजी रोड। यहाँ पर भी बड़ी आप अभी भी देख पा रहे हैं, मतलब अगर एक गाड़ी आ जाए और एक सामने गाड़ी आ जाए, मैं कुछ नज़ारे दिखाने वाला हूँ जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि सामने जा रही है गाड़ी, तो शायद हो सकता है कि ट्रैफिक जैम हो जाए, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ वैसे। जैसे ही गली में एंटर किए हैं हमें आ रही है बढ़िया ही सुगंध। देखिए आप, देखिए तो भाई साहब लगा दो आप गाड़ी को साइड पे, हम उधर जाते हैं। बिल्कुल लगाओ, साइड पे लगाओ। तो सबसे पहले तो अभी नज़ारा देखें, मतलब क्या गजब, एकदम तंग गली है और आप आएंगे यहाँ पे खुशबू मिलेगी खाली आपको, मतलब ऐसा एकदम मसालों की, तेल की, कचौरी की, पकौड़ी की। ये देखिए भाई साहब एकदम मस्त भर के ले जा रहे हैं। भाई साहब आप यहीं से ले जाते हैं हमेशा? तो मैं जहाँ पर आने वाला था, और ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो गई है। देखिए बीकानेर में आप नमकीन खाओगे, मतलब मज़े हर जगह हैं, लेकिन अगर आप बीकानेर में आपको कचौरी खानी है तो सिर्फ एकमात्र नाम है, क्या नाम है राहुल? जूनिया महाराज की कचौरी। जूनिया महाराज की कचौरी, वाह। तो ये है जूनिया महाराज की कचौरी जिसके आनंद ले रहे हैं राहुल भाई। राहुल भाई बाइट लीजिए, आप आइए और बताइए कैसा, मतलब आहा परम आनंद है ये, वाह। तो पहले खाएंगे राहुल भाई फिर हम खा के आनंद लेंगे। तो ये आ गई हमारी कचौरी, और मतलब क्या ही रंग है इसका, देखो आप क्या टेक्सचर है।
थोड़ी कचौड़ी, साथ में चटनी है और आलू की सब्जी है। ये बीकानेर का ट्रेंड है, ऐसा बाहर नहीं मिलेगा आपको। सब्जी के साथ में कोई नहीं खाता, बाहर खाते हैं सॉस के साथ में या चटनी के साथ में। यहाँ पर आपको मिलेगी चटनी और आलू की सब्जी। एकदम परफेक्ट। Don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. So, yeah, Madan ji. और मदन जी आनंद ले रहे हैं कचौरी का, साथ में पकौड़ी का। तो जैसे मदन जी खाते हैं वैसे ही देखिए आप, यहाँ पर भीड़ रहेगी, हाथों में पैसे ले रखे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं अपनी कचौरी अपनी पकौड़ी का। तो ये है जूनियर महाराज जी। महाराज जी बताओ कि आप मतलब कितने साल पहले अपन ने ये स्टार्ट किया था काम? 50 साल पहले। ऐसी क्या विशेषता है कि मतलब लोग अगर कचौरी खानी है तो चाय पट्टी आकर के जूनियर महाराज के खा रहे हैं? व्यापार में तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला रॉ मटेरियल माल, फिर ईमानदारी। क्या बात है, फिर मेहनत और फिर रिजल्ट अपने आप आता है और फिर अपना आपके शहरवासी का प्यार है भाई। वो भी चीज उपयोग में लेते हैं ना जी, रॉ मटेरियल। हाँ जी, वो एकदम शुद्ध माल लेते हैं। शुद्ध माल लेते हैं, सही बात है। जैसे मसाले हुए, तेल हो गया, दाल हुई, तेल हो गया। हाँ जी, और पहले तो हाथ से बनाते थे। अच्छा, क्या बात है, ये बच्चे हैं आपके। तो ये है चाय पट्टी की रोड और देखो यहाँ पर फेमस है नो डाउट जूनियर महाराज की कचौरी, जूनियर महाराज नमकीन भंडार। बट इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप अगर आप नाश्ते के विचार से आ रहे हैं तो पराठे भी बन रहे हैं। तो क्या ही गजब का इतना बड़ा पराठा। वैसे आप कौन कौन से पराठे अपने पास में? आलू का है, पनीर का है, दाल का है, मूली का है, मतलब लगभग सारे पराठे आप रेडी करते हैं। लच्छा पराठा है। लच्छा पराठा भी है, वाह क्या गजब का टेक्सचर आ रहा है पराठे में। पराठे बना बना के पराठे की तह तैयार है, बहुत खूब। और ये है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये इनके प्राइस है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे पराठे मिल रहे हैं और बड़े साइज के। तो अब एक पराठा खाएंगे तो मेरे ख्याल में मतलब आपका लंच जो है वो तो स्किप हो जाएगा, आपका नाश्ता ही आपका लंच बन जाएगा। ऋषिराज कछावा जी है यहाँ पर, 50 साल से इनकी ये शॉप है। और इनकी खास बात ये है कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई स्टाफ रखा हुआ नहीं है। ये जितना भी आप देख रहे हैं सामान, पराठे, मिर्ची बड़े, ब्रेड बड़े, कचौरी, समोसे, पपड़ी, और ये बड़े भी बना रखे हैं सामने, तो सारा का सारा काम करते हैं कछावा साहब खुद। इन्होंने किसी को रखा हुआ नहीं काम के लिए। और बता रहे हैं कि 18 घंटे जो है ये दिन में काम करते हैं, तो आप तो शक्तिमान हो। ये है बीकानेर की हमारी तंग तंग गलियां। यहाँ पर आप सोचना मत टैक्सी लेकर के, गाड़ी लेकर के आना। और सबसे बढ़िया तो अगर आप पैदल घूमें यहाँ पे। देखो हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है बाइक निकालने के लिए भी, क्योंकि क्या गली तो फिर भी थोड़ी मतलब ठीक ठाक है, इतनी सकड़ी भी नहीं है गली, तो इससे सकड़ी गलियाँ भी है। बट यहाँ पे परेशानी आती है कि अगर आप ऊट पटांग से बाइक लगा दोगे, अपनी मोटरसाइकिल को अपने पार्किंग लगा दिए बीच में ही सड़क के, तो फिर परेशानी स्टार्ट हो जाती है।
हमने खाई थी चूनिया महाराज की कचौरी और बड़ा ही आनंद लिया हमने। नाश्ता हमारा हुआ दिन का अच्छा और अब चलते हैं हम काम पे, क्योंकि इसके साथ साथ काम भी करना ज़रूरी है। तो काम पे चलते हैं और काम ख़त्म होने के बाद में आपसे फिर से मिलते हैं। अब जो आप ये पहाड़ देख रहे हो ना, ये कोई रेत का टीला या कोई मतलब ऐसा मिट्टी का पहाड़ नहीं है, ये किसी प्रकार का भी कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन एक्चुअल में ये है पूरा कचरा। तो इसे बोलते हैं बीकानेर का डंपिंग जोन। बीकानेर का जितना भी कचरा है, जो गली गली में घूमते हैं ना गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, वो कचरा ये देखो ये बैकग्राउंड दे रहा है, तो ये जो गाड़ी वाला कचरा जो है वो इस डंपिंग एरिया में डालता है। अब आप लोग है ना कमेंट में ये बताइए कि जो एरिया है ये बीकानेर में किस जगह स्थित है। तो गाइस मैं ऑफिस से फ्री होकर के जा रहा था घर की तरफ, और घर जाते हुए जो देखा हमने, देखो आप मतलब मार्केट में मिल गए मेरे को मम्मी और पापा। तो पापा को आप पहली बार देखोगे वीडियो पे वैसे। तो बीकानेर बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। हम जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से मैं परिवार वाले मिल ही जाते हैं। तो पापा मम्मी ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं सब्ज़ियाँ और पूछ लेते हैं अगर उनसे मतलब कोई थैला वेला उठाना है। हालांकि मेरे पास इसमें मोटरसाइकिल है, तो इसमें मैं थैला रख सकता नहीं हूँ विशेष कोई। पापा के पास स्कूटी है तो उसका अच्छा बेनिफिट है स्कूटी का। तो ठीक है सब, तो आ गए हम घर। हालांकि मैंने तो वहाँ मना किया था पापा को, मैंने कहा सब्जी मैं ले जा नहीं पाऊँगा। अब आप ये देखो थैला इतना बड़ा है ना, ये देखो मतलब भारी एकदम, मतलब भारी उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाइक पर मैं ले जाऊँ कैसा केला। तो फिर बैग को टंगाया मैंने पीछे और थैले को रखा मैंने एकदम आगे टंकी के ऊपर, और बड़ा मुश्किल है यार। मौसम हो गया ऐसा मतलब एकदम मतलब चिरमिराती हुई से गर्मी है, चिरमिराती हुई सही बोल रहा हूँ क्या, तो मतलब एकदम भयंकर वाली गर्मी है। और अगेन मैं आज फिर स्वेट डाल के चला गया, मुझे लगा क्या पता बाहर जाने के बाद में थोड़ा सा ठंड लगे मेरे को, तो इससे बढ़िया है कि कुछ पहन के जाएं। बट ब्लैक कलर की जो मेरी फेवरेट स्वेट है, ये आपने कई वीडियो में देखी होगी, तो बहुत गर्मी लगी। अब घर पे आए तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है मेरे को एकदम अच्छा सा दही। तो अब खाएंगे खाना, आलू पालक की सब्जी है, दही है, पापड़ है और रोटी है। खाना खाते खाते देखेंगे टीवी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से टीवी देखी नहीं है। ऑफिस का काम, फिर व्लॉग बनाओ, उसको फिर एडिट करो, तो अब थोड़ा सा आधा घंटा कम से कम टीवी देखूंगा मैं, फिर ऑफिस का काम करूंगा, फिर देखेंगे। तो अभी चल रहा है काम और हम खा रहे हैं साथ में गाजर का हलवा। घर पे भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो एकदम शांति है घर पे भी। अभी मैं आराम से आपसे बैठ कर बातें कर सकता हूँ, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई बात बात नहीं कर रहा है, आवाज़ भी आपको मेरी एकदम क्लियर आएगी। और बस मैं काम ही कर रहा था तो सोचा थोड़ी बात कर लूँ आपसे। अभी तक का कैसा था, मस्त था ना? जो मतलब क्या यार, क्या गजब की भीड़ रहती है उस गली में जूनियर महाराज की, जहाँ पे हमने कचौरी खाई थी। तो चाय पट्टी एरिया है वो, मतलब शहर के अंदर में बड़े बाजार में, गजब भीड़ है गजब की। तो ये हलवा मैंने निकाला फ्रिज से, फ्रिज से खा रहा हूँ मैं सीधे ही, गर्म भी नहीं किया, ठंडा ठंडा है। ये जो रात को बनाया था वही है, बच गया था थोड़ा थोड़ा और पड़ा है। खाना है किसी को तो आ जाओ, खाना है आओ, आपको तो गर्म करके खिलाऊंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। और थोड़ा लेट हो तो सारा मैं खा जाऊंगा फिर।
जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक खत्म हो जाएगा वो। भगवान। तो अब मेरी आवाज आप तक कितनी पहुंच रही है पता नहीं है, हवा चल रही तेज। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं पंकज, मतलब मेरा बहुत बहुत प्यारा मित्र है। और ये है मेरी प्यारी मित्री मनीष शेवक। तो अब आप सोच रहे हो मतलब एक बाइक है, तीन जन है, तो हमारे पास बाइक एक ही थी इसीलिए हमने एडजस्ट कर लिया है। और सर क्या है कि मतलब महीने में कम से कम 2 से 3 बार जो है निकल जाते हैं, शहर जाते हैं, वहाँ जा कर के थोड़ी मस्ती मारते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी दूध पीते हैं। लेकिन जो मोटिव होता है, मोटिव एक ही होता है कि दोस्तों के साथ थोड़ी सी चिल मारना, ओनली एंजॉयमेंट। मनीष जी एक बार फिर से बोल दीजिए, ओनली एंजॉयमेंट। तो हमारे जो पंकज जी है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर BOB के, और जो मनीष जी है ये एक बहुत बड़े हस्बैंड है। नहीं ये होने वाले हैं मतलब बस होने वाले गवर्नमेंट जॉब लगने वाली इनकी, ये अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तुम तो आज ही क्या हो अब काल सो। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि गाड़ी होगी हमारी पंचर, हम दोनों उतर गए हैं भाई और वो गया है गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। तो मैं वो अभी शहर के बीचों बीच एकदम बड़े बाजार में, बड़े बाजार की मंडी है। अब ये देखिए अभी खाली है क्योंकि मैं रात को आया हूँ यहाँ पे, और अगर आप दिन के समय में आते हो तो आपको यहाँ पे पाँव रखने की जगह रहती नहीं, इतनी भीड़ रहती है। तो पंकज भाई को लेना था घेवर, और अगर आपको बीकानेर में घेवर खाना है तो मेरे ख्याल में यहाँ से बेस्ट क्वालिटी का और जो बेस्ट टेस्ट है आपको कहीं नहीं मिलेगा, ब्रजा महाराज की दुकान है ये। यहाँ पर आपको स्पेशल रबड़ी का घेवर और केसर की फिड़ी मिलेगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। बहुत नाम सुना है सर ब्रजा महाराज की दुकान के बारे में। देखो हम तो कहीं भी पूछता ना बीकानेर में कि घेवर खाना है तो एक ही नाम आता है कि ब्रजा महाराज की दुकान जाओ वहाँ खाओ। तो कुछ बताइए दुकान के बारे में, कितनी पुरानी है और ऐसा क्या कारण है कि अपने मतलब लोग कहते हैं यहीं का घेवर खाना है। सबसे पहले तो क्वालिटी की बढ़िया रखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सॉफ्ट रखते हैं एकदम। बाकी सब जगह आपको कड़े घेवर मिलेंगे और हमारे यहाँ सॉफ्ट घेवर मिलेगा आपको, एकदम सॉफ्ट मिलेगा घेवर आपको। और हम प्योर रबड़ी लगाते हैं, बाकी सब मावा घोल के लगाते हैं। हाँ सबसे बड़ा रीज़न ये है प्योर रबड़ी रहती है। प्योर रबड़ी तो आप रबड़ी भी खा सकते हो, घेवर भी खा सकते हो, अलग 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 करे भी खा सकते हो आप। और कितने साल की लेगेसी है आपकी सर? ये करीब 90 साल हो गए। तो ये सबसे बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि 90 साल से आप इस लेगेसी को बरकरार रख रहे हो। तो अभी पंकज जी आनंद लेंगे घेवर का। आप भी लीजिए। बिल्कुल लेंगे, पहले आप लीजिए पंकज जी। वाह वाह। हाँ और ये वाली जो मलाई है ये उसके ऊपर लगाने के बाद वो बन जाता है मलाई वाला स्वादिष्ट घेवर। आहा मजा आ गया। I'll make sure that you won't ever feel lonely no more. Every past we have, the future we will see. तो हमारा टारगेट तो था दूध पीना आना था हमें, और पंकज और मनीष दोनों ने खाया घेवर वो भी दबा के, बट मैंने घेवर इतना खाया नहीं है तो मैं पीऊंगा दूध। वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अभी भी कणा पर। एकदम वैसा ही टेस्ट हमेशा की तरह, बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ। You don't wanna know